हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ कटारमल सूर्य मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा में है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ भगवान सूर्य देव की स्तुति की जाती है। कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर सूर्य को समर्पित भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के अधेली सुनार कटारमल गांव में स्थित है। यह सूर्य देव को समर्पित भारत का पूर्वमुखी प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह मंदिर उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य या आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है। आज भी यह मंदिर उतना ही विशाल और सुंदर है जैसे सदियों पहले था। यह मंदिर कुमाऊं के विशाल मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने की थी। मंदिर के आसपास 45 छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है, जो कि कटारमल मंदिर की सुंदरता को और निखारता है। यह मंदिर शिल्पकला का अद्भुत नमूना है, जो कि समुद्र से की तह से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वत पर बना है और मंदिर से सामने कोसी घाटी का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। मंदिर के पूर्वमुखी होने के कारण सूर्य की पहली किरणें इस मुख्य भवन पर पड़ती हैं। कटारमल का सूर्य मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और साथ ही मंदिर में स्थापित भगवान आदित्य की मूर्ति बड़ के पेड़ की लकड़ी से निर्मित है। इस कारण इस मंदिर को बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। कटारमल मंदिर नागा शैली में निर्मित है। यहाँ सूर्य देव ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर के मुख्य भवन का शिखर खंडित अवस्था में है और मंदिर की संरचना को आधार दिए खंभों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की काष्ठ कला से निर्मित है, जिसे वर्तमान में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। भगवान सूर्य के साथ यहाँ भगवान शिव, गणेश, विष्णु आदि कई देव देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में कई जगह की गई नक्काशी मंदिर को और ज़्यादा खूबसूरती प्रदान करती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही मनमोहक, प्राकृतिक और शांत है। दर्शन के साथ साथ लोग यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव लेने भी आते हैं। यह मंदिर साल भर खुला रहता है। चलिए अब जानते हैं कटारमल मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। कटारमल मंदिर के मुख्य भवन का शिखर भाग खंडित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात किया गया, मगर जब प्रातः सूर्य निकलने लगा तो मुख्य मंदिर के शिखर का भाग छूट गया। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार मंदिर के रखरखाव के अभाव के कारण शिखर भाग खंडित हो गया। वर्तमान में इस मंदिर की देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। चलिए अब जानते हैं आप कटारमल मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। कटारमल सूर्य मंदिर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। यदि आप बस से आते हैं तो दिल्ली से आप बस लेकर आ सकते हैं। दिल्ली से यह मात्र 350 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 से 15 घंटे में यहां पहुंचा जा सकता है। यहां यदि आप रेल यात्रा करते हैं तो वो भी दिल्ली से उपलब्ध है। यह मंदिर अल्मोड़ा में रानीखेत के पास स्थित है। अल्मोड़ा से कोसी गांव सड़क मार्ग से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कोसी गांव से 1.5 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर स्थित है और मैं यहां पर अपने कुछ भाइयों के साथ आया हुआ हूं इस मंदिर को देखने के लिए, जो कि आप मेरे वीडियो में अभी देख ही रहे हैं। ये हैं मेरे भाई लोग। तो हमने इस मंदिर में आने के बाद काफ़ी
अच्छा अनुभव महसूस करा। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी शांति महसूस होती है और ये एक मेडिटेशन केंद्र भी है, यहाँ आप ध्यान भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ध्यान लगाने के बेस पर भी आते हैं इस मंदिर में। और दोस्तों, मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाई दिया है और इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दे दी है मैंने। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी मेरी। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियो में दोस्तों मैं अगली बार मिलूंगा आपसे, तो तब तक के लिए बाय।